जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यहाँ पे एक सवाल है, यूके अमेज़ॉन में मल्टीपल सेलिंग अकाउंट्स चलाने के लिए बेहतरीन और महफूज तरीन तरीका क्या है? देखिए सबसे पहले तो एडवाइस मैं आपको ये दूंगा कि मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर स्टार्टिंग के ऊपर काम नहीं करते। अगर आपने यूके का अकाउंट बनाया है तो यूके मार्केट में काम करें, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैंने उसको ग्लोबली करना है, उसमें मैंने मल्टीपल अकाउंट ऐड करने हैं, तो आप सेल ग्लोबली वाली ऑप्शन पे जाके वहाँ पे ओपन कर सकते हैं दूसरी मार्केट्स। या जब आपने यूके का सेलर अकाउंट ओपन किया ना, तो सामने मेन जो डैशबोर्ड है वहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आती है, मतलब मार्केट कौन सी है, और दूसरे नंबर पे वहाँ पे आपके स्टोर का नाम लिखा होता है। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको डिफरेंट कंट्रीज़ नज़र आएंगी, उसमें स्पेन, फ्रांस है, इटली है, फिर आप उसमें यूएस आएगा, कनाडा है, मैक्सिको है, लेकिन उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो पेंडिंग होती है। तो उसके ऊपर क्लिक करके आप उनको वही डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपने यूके क्रिएशन के दौरान, मतलब जब यूके का अकाउंट आपने बनाया था, प्रोवाइड किए थे। तो आपके एक ही अकाउंट के अंदर मल्टीपल अकाउंट ओपन हो जाएंगे सेल ग्लोबली, जिसमें सारा यूरोप और सारा अमेरिका आ जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग के ऊपर ये एडवाइस नहीं दी जाती। स्टार्टिंग के ऊपर सिंपल ये एडवाइस है कि आप यूके मार्केट को ओपन करके काम करो, ठीक है। उसके बाद जब आपको प्रॉपर समझ आने लगे तो ठीक है, आप दूसरी मार्केट का अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। उसी सेलर अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल अकाउंट्स ओपन कर लोगे, फिर लॉगिन कैसे करोगे? सिंपल है, जो मेन डिटेल आपने जीमेल पासवर्ड दिया होगा उसको आप जीमेल दोगे, पासवर्ड दोगे, जैसे ही मतलब साइन इन के ऊपर क्लिक करोगे, आगे वो आपसे पूछेगा, हाँ जी आप बताओ यूके का अकाउंट यहाँ से आगे ओपन करना है या आपने यूएस का करना है। तो इस तरह से होता है, बट एडवाइस आपको यही दी जाएगी कि आप सिंगल मतलब एक अकाउंट के ऊपर काम करो, आस्ता आस्ता जब समझ आने लगे तो ठीक है, मल्टीपल अकाउंट्स की तरफ चले जाना ऑटोमेटिकली। देखें कॉमन सेंस है, अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स की तरफ जाओगे तो तमाम सेलर अकाउंट्स के अंदर लिस्टें बनानी पड़ेंगी अलग अलग से, ठीक है। इंडिविजुअल बनाओगे ना, बाद में कंपनीज तमाम मार्केट्स की अलग अलग कंपनी होंगी। तो यही एडवाइस है कि आप एक अकाउंट बनाएं, समझें, सीखें, उसके बाद उसी के अंदर मल्टीपल अकाउंट्स ओपन कर लीजिएगा सेल ग्लोबली की ऑप्शन को यूज़ करके। नीचे आपने कहा हाउ कैन आई गेट सेटअप चाइल्ड एक्सेस अकाउंट फ्रॉम बोथ माई यूके अकाउंट यूजिंग द सेम डिटेल। जीमेल आपको चेंज करनी पड़ेगी डिटेल। आप देखिए, आप अपने आप को एक्सेस दे सकते हैं, यूज़र परमिशन में जाके सिंपल जीमेल चेंज करें और ख़ुद को एक्सेस दे सकते हैं अपने किसी भी अकाउंट की चाइल्ड एक्सेस, ठीक है। अगर आपने किसी को देनी है, देखिए मेन अकाउंट आपका है तो आप अपने आप को क्यों एक्सेस दोगे? डेफिनेटली किसी वीए को या किसी अदर पर्सन को आपने देनी है, या कोई आपका पार्टनर होगा तो आप उसकी ईमेल, उसका नाम आप लो, यूज़र परमिशन में जाओ, वहाँ जाके सेंड करो उसकी, और उसको इन्विटेशन जाएगा उसकी जीमेल के ऊपर, वहाँ पर वो उस इन्विटेशन को ओपन करके अकाउंट क्रिएट करेगा, फिर आपको मैसेज आएगा, फिर आप सिंपल यूज़र परमिशन में जाके वो एक्सेस दे दीजिएगा डिफरेंट, मतलब वो जो ऑप्शंस हैं, कैटेगरी है, वहाँ पे कैटलॉग है, इन्वेंटरी है, ऑर्डर है, ये सारी ऑप्शंस, अकाउंट इन्फो है, ये आप ऑप्शंस उनको दे दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने खुद को एक्सेस देनी है, ठीक है, एक नई जीमेल के ऊपर आप दे लें, नई जीमेल बना के, ओके हो गया। मज़ीद अगर कोई सवाल है पूछ लीजिएगा, मैं आंसर कर दूँगा।